हाय हेलन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज के वीडियो में यार हम लोग देखने वाले हैं कि प्रोमिसेस क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, है ना, उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रोमिसेस को बताने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे सबसे पहले मैं नोट पैड ओपन करूँगा। तो देखो, जो प्रोमिसेस होता है ना, वो बेसिकली जो हमारा कॉल बैक होता है उससे, उसका बोल सकते हो कि एडवांस वर्जन यार हम लोग को प्रोमिसेस है। कल मैंने आपको बताया था यार कि कॉल बैक हेल्प क्या होता है। ठीक है, कॉल बैक हेल के बारे में हम लोग पढ़ा था, एंड पिरामिड ऑफ डोम क्या होता है कल हम लोग पढ़ा था, उसका सोल्यूशन मैंने बताया था कि उसका सोल्यूशन हम लोग का प्रोमिसेस होता है, एंड उस प्रोमिसेस को हम लोग कैसे यूज करते हैं आज के वीडियो से हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन करूंगा सिंपली अपना इपिक पेन, एंड इपिक पेन को ओपन करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली कोई एक अच्छा सा पेन देखूंगा, ब्लू कलर एंड सिंथ। तो मानो यार कि यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन ऑफ कोड हो रहा है। ठीक है, मेरा कोड का क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ कोड का एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो मेरा जो कोड है उसमें मैंने क्या बना रखा है, उसमें मैंने एक प्रोमिसेस बना रखा है। ठीक है, मेरा क्या है, यहाँ पे एक प्रोमिसेस है P1। अब मैं जब चाहता हूँ कि जब ये मेरा प्रोमिसेस रन करे, तो इसके आगे मैंने जो भी कोड लिखा है, मान लो मेरा प्रोमिसेस का कोड कुछ इतना है, एंड इसके आगे और भी मैंने बहुत कुछ कोड लिख रखा है, तो ये जो कोड है ना प्रोमिसेस, वो कभी भी इस कोड के एग्जीक्यूशन को ब्लॉक नहीं करेगा। मतलब ये प्रोमिसेस का कोड भी चल रहा है, एंड इसके आगे जो मैंने कोड लिखा है वो भी रन करेगा। और मान लो ये जो प्रोमिसेस है, इसको कुछ टाइम लग रहा है कोड को एग्जीक्यूट करने में, तो ये प्रोमिसेस प्रोमिस जो है ना, वो ये नहीं कि इसको टाइम लग रहा है, अच्छा तो इसके बाद वाला जितना प्रोग्राम है ये वेट करेगा कि अच्छा इसको खत्म होने, तो उसके बाद ये सब रन करेगा, ऐसा नहीं होता। प्रोमिसेस कभी भी एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड को रोकता नहीं है, वो उसके आगे जितने भी कोड है वो रन करेगा, बाकी प्रोमिसेस अपना जो टाइम लेता है वो अपना टाइम लेने के बाद रन करेगा। तो अब यहाँ पे जो आता है कि हम लोग प्रोमिसेस यूज क्यों करते हैं, तो मैंने सबसे पहले बता दिया है कि ये बेसिकली पिरामिड ऑफ डोम जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है प्रोमिसेस। तो रियल लाइफ में प्रोमिसेस क्या होता है, रियल लाइफ में प्रोमिस होता है कि हम लोग किसी को प्रोमिस करते हैं, या वो प्रोमिस प्रोमिस करने के बाद हम लोग उसको फुलफिल करते हैं, या फिर पूरा नहीं करते हैं। तो ये जो हम लोग का प्रोमिसेस है, ये आगे जाके मान लो दो चीज में डिवाइड हो जाता है, या तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, या तो हम लोग उसमें फुलफिल करते हैं, या तो हम लोग उसको क्या करते हैं, या तो हम लोग उसको फुलफिल करते हैं, मान लो ये मेरा फुलफिल का है, या तो हम लोग उसको रिजेक्ट करते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इसको फुलफिल करते हैं, ठीक है, ये हम लोग का क्या है, जब हम लोग इसको फुलफिल करते हैं एंड जब हम लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, तो मान लो यार कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोमिसेस क्रिएट करा है, एंड उस प्रोमिसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई स्क्रिप्ट को लोड कर रहे हैं। तो या तो वो स्क्रिप्ट क्या हो सकता है, या तो वो स्क्रिप्ट लोड हो सकता है, या तो वो स्क्रिप्ट फुल लोड हो सकता है, मतलब फुलफिल हो सकता है स्क्रिप्ट का लोडिंग, या रिजेक्ट हो सकता है, मतलब कोई इसमें क्या हो गया, कोई इसमें प्रॉब्लम आ गया जिसे हमारा जो प्रॉमिस है वो क्या हो गया है, फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो जब हमारा प्रॉमिस जो है वो फुलफिल हो गया है, तो हम लोग चाहेंगे कि कुछ और काम हो। जैसे जब हम लोग पिरामिड ऑफ डोम हम लोग जब देख रहे थे, तब हम लोग ने ये देखा कि जब हम लोग का स्टेट क्या है ट्रू है, तब हम लोग एक और फंक्शन को रन कर रहे थे, एंड जब उस फंक्शन के उस फंक्शन में उसका भी जो स्टेट ट्रू है, तो हम लोग एक फंक्शन को रन कर रहे थे। मतलब वहां पे क्या था, वहां पे एक थ्रेड है, ठीक है, ये थ्रेड काम कर गया, एक और थ्रेड निकल गया, ये थ्रेड का स्टेट ट्रू है, ये और थ्रेड निकल गया, इस थ्रेड से मतलब आगे जा रहा था तो ये एक और थ्रेड, एंड देन इस और थ्रेड। तो ये पिरामिड ऑफ डोम मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला भाई, ये ट्री जो है ना वो बनते जाएगा, इस तरीके से बनते ही जाएगा, हम लोग का फंक्शन क्या है चलते ही रहेगा, हम लोग का फंक्शन चलते ही रहेगा। तो ये हम लोगों ने देखा था पिरामिड ऑफ डोम में, हम लोग का क्या बना था, जो हमारा कोड है वो कुछ एक इस तरीके से एक बोल सकते हो कि पिरामिड की तरह बन रहा था पिरामिड, जब हम लोग हमने देखा था कॉल बैक हेल के बारे में। तो हम लोग जो चाहते हैं कि जब हमारा प्रोमिसेज जब फुलफिल हो जाता है, तो क्या हो कि कोई दूसरा काम हो, ठीक है, मतलब कोई एक प्रोमिस है, एक प्रोमिस टू है, तो जब फुलफिल हो जाता है तो क्या एक प्रोमिस टू रन हो, एंड जब रिजेक्ट हो जाता है, तो हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो कोड एग्जीक्यूशन है यहीं पे बंद हो जाए, मतलब कि हम लोग आगे कुछ ना करें, एंड जो ये एरर है इसको कहीं हम लोग सेंड कर दें, ठीक है, सेंड कर दें। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जब ये प्रोमिसेस रन कर रहा है, तो ये भी एक प्रोमिस है भाई, ये भी एक प्रोमिस है,
ये भी क्या हो सकता है, ये भी या तो फुलफिल हो सकता है या फिर रिजेक्ट हो सकता है। ये भी क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है या फिर फुलफिल हो सकता है। तो यहाँ पे भी हम लोग फिर जाएंगे यार कि देखो, जब हमारा एक प्रॉमिस चला, मतलब P1 जब रिजेक्ट फुलफिल हुआ, तब हम लोगों ने किसको रन करा, हम लोगों ने P2 को रन करा। अब जब P2 हम लोग का फुलफिल हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और प्रोमिस रन करेंगे। मतलब यार एक फाइल में, एक जो मतलब वेबसाइट बनाते हैं, उसमें बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारा हम लोग का बहुत सारा स्क्रिप्ट होता है। तो हर स्क्रिप्ट को बार बार क्या करना है, हमें रेंडर करना है, और जब रिजेक्ट होता है तो फिर सेंड मैसेज, ये चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है हम लोग का प्रोग्राम का, वो कितना ज्यादा क्या हो गया, कितना ज्यादा आसान हो गया है। मतलब कि हम लोग अपने कंट्रोल को हैंडल कर पा रहे हैं खुद से। लेकिन यही अगर हम लोग देख रहे थे पिरामिड हॉल में, तो हम लोग को ये पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे एग्जीक्यूशन फेल हो रहा है, कहाँ पे हमारा स्टेट क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम हम लोगों ने बेसिकली प्रोमिसेस के साथ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ यार कि हम लोग कैसे एक बेसिक प्रोमिसेस बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिक सिंटेक्स ऑफ प्रोमिसेस जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो एक बेसिक सिंटेक्स क्या होता है प्रोमिसेस बनाने का जावास्क्रिप्ट। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या, हम लोग अगर मैं आपको एग्जांपल जो दिया था उसके हिसाब से बताएं, तो हम लोगों ने सबसे पहले एक प्रोमिसेस वन बनाया था। मान लो एक प्रोमिसेस वन हम लोग बनाते हैं, एंड इस प्रोमिसेस को बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं न्यू प्रोमिस, न्यू प्रॉमिस। यहाँ पे देख सकते हो, मुझे प्रॉमिस यहाँ पे देखने को मिला, तो न्यू प्रॉमिस। अब जो प्रॉमिस पे जब मैं क्या करूंगा, जब मैं प्रॉमिस पे करूंगा होवर, तो पे देख सकते हो अ कॉल बैक यूज टू इनिशियलाइज द प्रॉमिस। एक कॉल बैक फंक्शन होता है भाई, जो कि क्या करता है, बेसिकली क्या करता है, जो कि हम लोग का एक प्रोमिसेस को इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है। दिस कॉल बैक इज पास टू आर्ग्यूमेंट्स, रिजॉल्व कॉल बैक यूज टू रिजॉल्व द प्रॉमिस एंड वैल्यू और रिजल्ट ऑफ अनदर प्रॉमिस, एंड रिजेक्ट कॉल बैक यूज टू रिजेक्ट द प्रॉमिस विद द प्रोवाइडेड रीजन और एरर। तो जो हम लोग का प्रॉमिस होता है, यहाँ पे देख सकते हो, प्रॉमिस में क्या होता है, हम लोग का एक रिजॉल्व होता है एंड एक रिजेक्ट होता है। अब जब रिजॉल्व होता है, तो रिजॉल्व क्या करता है भाई, रिजॉल्व का मतलब होता है, जब देखो जब भी हम लोग एक प्रॉमिस बना रहे हैं, तो जब प्रॉमिस बना रहे हैं तो प्रॉमिस क्या हो सकता है, ये तो रिजॉल्व हो सकता है या फिर रिजेक्ट हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि जब प्रॉमिस फुलफिल हो सकता है या फिर रिजेक्ट हो सकता है, तो उसी उसी टर्म में हम लोग बात करें, तो या तो हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो सकता है, मतलब कि हाँ भाई फुलफिल हो गया, हम लोग का जो प्रॉमिस में जो हम लोगों ने जो भी टास्क करवाया था वो हो चुका है। रिजेक्ट मतलब कि यार कोई एरर आ गया है, वो क्या हो गया, एकदम रिजेक्ट हो गया हम लोग का, कोई एरर स्पॉन हो गया वहां पे, ठीक है। तो वो ये था हम लोग का रिजेक्ट। तो प्रॉमिस का क्या है, दो आर्ग्यूमेंट है, प्रॉमिस का दो पैरामीटर है, हम लोग यहाँ पे पैरामीटर इसको बोलते हैं, तो पैरामीटर बोलेंगे क्या होता है, रिजॉल्व रिजेक्ट। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा इस तरीके से, नहीं इस प्रॉमिस के अंदर में एक फंक्शन देना होता है, तो इस तरीके से। एंड हम लोग चाहते हैं कि जब ये प्रॉमिस क्या हो जाए, रिजल्ट हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे एक सेट टाइम आउट लगाएंगे कि कुछ टाइम के बाद ये प्रॉमिस क्या हो, मतलब मान लो कि मैं 2000 देता हूँ, मतलब 2 सेकेंड के बाद ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए, यहाँ पे RESOLVE रिजॉल्व का रिजॉल्व हो जाए विथ द वैल्यू ऑफ सक्सेसफुल। मतलब मैंने सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग दे दिया सक्सेसफुल नाम से। तो एक सेट टाइम आउट मैंने बनाया, जो कि मैंने कहा कि देखो भाई 2 सेकेंड के बाद ये रिजॉल्व हो जाएगा, एंड उसी के साथ ही ये कंसोल लॉक कर देगा, द स्क्रिप्ट इज लोडेड, मतलब मेरा स्क्रिप्ट क्या हो गया, लोड हो गया। एंड उसी के बाद मैं क्या करूंगा, कंसोल रोल ऑफ करूंगा P1, एंड कंसोल रोल ऑफ करूंगा द नेक्स्ट कोड, एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन थोड़े वो भी
ब्लॉक नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिख दिया है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इंड कर देता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ गो लाइव करके मैं इसको ओपन करता हूँ वीएस कोड में ब्राउजर में, और मैं सिंपली यहाँ पे इंस्पेक्ट करूंगा, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंसोल पे आऊंगा, तो देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ एंड इंड हुआ, एंड स्टार्ट इंड होने के बाद मेरा क्या हुआ, एक प्रॉमिस प्रिंट हुआ एंड देन नेक्स्ट कोड हुआ, मतलब कि ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ एंड हुआ देन प्रॉमिस रन करा, एंड प्रॉमिस रन करने के बाद यहाँ पे द नेक्स्ट कोड यहाँ पे रन करेगा, मतलब मेरा जो कोड का एग्जीक्यूशन है वो क्या होगा ब्लॉक बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट और एंड यून करा। एंड जो मैं प्रॉमिस बताऊँ तो प्रॉमिस में क्या था कि प्रॉमिस में स्टेट होता है एंड रिजल्ट होता है, मेरा यहाँ पे रिजल्ट क्या था, मेरा यहाँ पे रिजल्ट है सक्सेसफुल, एंड स्टेट क्या है, स्टेट मेरा फुलफिल है, ठीक है, एंड इसका प्रोटोटाइप यहाँ पे प्रॉमिस है। तो ये बेसिक सिंटेक्स होता है एक प्रॉमिस बनाने का, और प्रॉमिस के बाद प्रॉमिस के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जो प्रॉमिस है इसके बारे में और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो आप लोग उसको देखना जरूर, बाकी जो जावास्क्रिप्ट कोर्सेज को आप लोग फॉलो कर लेना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।